गाइस फाइनली 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 हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। अभी जो है प्लान हमारा थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि बहुत ही थक चुके हैं। गाइस ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग होली से पहले का ब्लॉग है ये, और मैं इसको अभी पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि होली का जो ब्लॉग था उसको मुझे पहले पोस्ट करना पड़ा, और ये ब्लॉग मैं मुंबई आके पोस्ट कर रहा हूँ। फिर भी मैं इतना मेहनत से शूट किया हूँ, तो आप इस ब्लॉग को देख लीजिए एंड एंजॉय करिए। अच्छा लगे तो कमेंट बताइएगा, एंड मुझे आप लोग बताइए, आप लोग से मुझे एक क्वेश्चन है कि क्या मैं मैथिली और हिंदी मिक्स करके बनाऊँ ब्लॉग। कौन कौन चाहता है कि मैं मैथिली में भी ब्लॉग शूट करूँ? तो अगर मुझे कमेंट में सबसे ज़्यादा जो नज़र आएगा, जो दिखेगा कि हाँ मैथिली में भी आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, तो मैं मैथिली में भी ब्लॉग शूट करके आप लोग के पास, आप लोग को दिखाऊंगा मैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट में कि क्या चाहते हो आप। ठीक है, ब्लॉग आप देखिए, एंजॉय करिए एंड थोड़ा सा प्यार मुझे भी दीजिए। बहुत जल्दी मेरे चैनल पे 1000 कंप्लीट होने वाले हैं, सो उसको जल्दी से 1000 कंप्लीट करिए और बहुत सारे मस्ती करेंगे ऐसे ही हम, बहुत सारे आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और मुझे आज बहुत ही अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, आज हम ब्लॉग बनाएंगे। और आज हम जा रहे हैं गांव अपने विलेज, तो वहाँ पे जाके बहुत सारे मस्ती करने वाले हैं। उससे पहले हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली, एंड दिल्ली से जाएंगे सिलीगुड़ी, क्योंकि सिलीगुड़ी में हमारा शो है। तो इस बार मैं जाने वाला हूँ दिल्ली से फ्लाइट से सिलीगुड़ी, तो देखते हैं क्या होता है, हमारा सफ़र कैसा रहता है, एंड आपको भी इंजॉय करवाएंगे, बहुत सारे मस्ती करने वाले हैं हम अकेला ही। उससे पहले हमारा ये जो सामान है पूरा यहाँ पे डाल दिया हूँ, जो कि मैं अकेला, मेरे को सब उठा के ले जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ कि इतना सामान मैं कैसे ले जाऊँ उठा के अकेला, बट कोई बात नहीं, जाएंगे जिम जाते हैं क्यों। मेरा ट्रेन है 5:30 बजे, लेकिन हम जा रहे हैं 3:30 बजे, 2 घंटा पहले, क्योंकि जाने में मेरे को टाइम जाएगा 1 घंटा, एंड 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे चलते हैं क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक पे भरोसा नहीं कर सकते हम। भाई ये देखो कितना तगड़ा आग लगा हुआ है इधर, सब रोड साइड दे रहे हैं इसको। पहली बार देखा हूँ मैं मुंबई में इतना बड़ा आग लगा हुआ, मतलब हाँ सच में इतने टाइम से रह रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ मैं। गाइस मेरे पास एक यूनिक चीज़ है, बताऊँ आपको, ये जो रिंग है ना, सब इसको ऐसे देखते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं आ रहा था ऊपर में, पुलिस वाले ने लिटरली मेरे को पकड़ लिया और बोलता है पूरा बैग चेक कराओ, मेरा पूरा बैग चेक किया उसने, बट कोई बात नहीं, मैं अपना चेक करवाया बैग। फिलहाल मैं 1 घंटा पहले पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे। ये है अपना मुंबई लोकल, इसका भीड़ देख लो भाई, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है भीड़ इसमें, बाकी इसमें भीड़ होता है शाम के टाइम में, खतरनाक लेवल भीड़ होता है भाई इसमें। सिगरेट जला के छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध, यहाँ पे साइरन भी है। लगता है लोगों की जो सोच है ना, दिमाग आजकल घुटने में हो गई है, इनको ट्रेन में भी सिगरेट चाहिए। सिगरेट पीने वाले भैया माफी चाहते हैं आपसे, हम बुरा लग गया होगा तो। राजधानी ट्रेन में एक फायदा है, नींद खुलते ही ब्रेकफास्ट तैयार रहेगा। अब मुझे ही देख लो, इतना सुबह कौवा भी नहीं खाए रहेगा। 2000 years later. अभी मैं फिलहाल 4-5 दिनों के लिए कुल्ली बनने वाला हूँ, कुल्ली मूवी वाला नहीं, असल में कुल्ली बनने वाला हूँ। अभी हम पहुंच गए होटल, एंड हमारा एंट्री वेंट्री सब हो गया इधर, अब जाते हैं कमरा में। और ये है हमारा कमरा, और ये है मिरर, जो कि हम बिना फ्रेश हुए, बिना मुंह साफ किए, क्रीम लगाए, पाउडर, ऐसे स्मार्ट लग रहे थोड़ा बहुत, पता नहीं, एंड आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस टाइप का हमारा कमरा है, आई मीन बेड वगैरह सब है, एंड ये कुछ क्या डिजाइनिंग है, अच्छा लग रहा है देखने में। सोफा लगे हुए हैं, एसी भी लगे हुए हैं, वॉशरूम बहुत मायने रखता है मेरे लिए, खास करके मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैं वॉशरूम में ही करता हूँ, पता नहीं क्यों। राजा जी गाइस, अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ,
थोड़ा सा स्मार्ट लगने लगा हुआ क्योंकि मैं नहा के आ रहा हूँ अभी। एंड आपको भी दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे एक मुझे फ्रिज मिला ताकि इस फ्रिज में आते आते ही सामान पूरा भर दिया। देखो इसमें डाल दिया हूँ रियल का ये जूस, मिक्स फ्रूट है। एंड मुझे जो पसंद है ये है डेरी मिल्क सिल्क वाला। एंड इसमें है मेरे चना मूंग। बहुत अलग लेवल का सुकून मिल रहा है, यहाँ पूरा बेड पे मस्ती किया जाए। गाइस रात के 11 बज गए हैं, मुझे बहुत तगड़ी नींद लग गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के 5 बज गए हैं और मेरी आंखों में नींद जो है अभी भी पूरा भरा हुआ है। बट मेरे को अभी फिर से उठना पड़ा क्योंकि अभी जाना है मुझे एयरपोर्ट एंड वहाँ से फ्लाइट लेके मेरे को निकलना है सिलीगुड़ी। तो टाइम देख सकते हो कि अभी 5:10 हो गया और जो मेरी फ्लाइट है वो है 8:30 की, तो भी हम निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि टर्मिनल नंबर यहाँ पे 3 जो है दो में को शो कर रहा है गूगल मैप में, बाकी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। गाइस ये जो मैं हाथ में लेके धक्का मार रहा हूँ इसको, ये आपको इजीली मिल जाएगा एयरपोर्ट पे। अगर ज़्यादा सामान आपके पास रहेगा तो आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत टाइम चला गया हमारा बैग चेकिंग करने में, बहुत टाइम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेकिंग होते हैं तो बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे। बट कोई बात नहीं, आ गए अंदर, चलते हैं। हमारा गेट नंबर 56 है। फ्लाइट से आप सफ़र कर रहे हो तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अलाउ नहीं करेंगे। जैसे मेरे कुछ कुछ सामान थे उन्होंने निकाल लिया वहाँ पर, तकलीफ़ हुआ मुझे बहुत। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये है हमारे धीरज भाई जो आपको दिख जाएंगे आज के परफॉर्मेंस में शो करते हुए। गाइस पूरे पार्टी को आज हम लोग पिला देंगे, बवाल हो जाएंगे, बवाल। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ गेट नंबर 56, ठीक है, हम लोग 56 के पास आ गए लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई है ही नहीं। बाकी थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं, अगर नहीं यहाँ पे आया तो जाके पूछेंगे वहाँ पे हम कि ये कहाँ पे होगा एंट्री हमारा। तब तक अपना ये मूंग और बादाम खा लेते हैं, ये स्वीट्स खाएंगे हम फ्लाइट में, अभी खाने का मन नहीं है फिलहाल में, पीना पड़ता कभी कभी ऐसे ही। गाइस फाइनली 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 हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। 54 से 56 हमारा हो गया गेट नंबर। लोगों को लगता है कि ऐसे बस जाएंगे फ्लाइट में बैठ जाएंगे, लेकिन अंदर में जो तकलीफ होती है, इतना चेकिंग होता है कि परेशान हो जाओगे आप। अभी 2 घंटा हो गया होगा हम लोग यहाँ पे आए हुए, 6 बजे को आए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग फ्लाइट में। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी टी टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। फाइनली पहुंच गए बागडोगरा, अब जाते हैं हमारा बैग लेने के लिए। पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से, पीछे आपको बस दिख रहा है, इससे अभी आए हम लोग फ्लाइट से उतरने के बाद। रिंग तो आ गया, बैग नहीं आया अभी तक। चलो पीछे बैठ रहे दोनों, अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग होटल। गाइस तो फाइनली पहुंच गए होटल में हम लोग और ये है हमारा कमरा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और भाई सब आके पहले सीधा सो गए क्योंकि बहुत थक गए ये भाई। मैं मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से फिर सिलीगुड़ी, कहाँ कहाँ से आया हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एनर्जी बहुत बचा हुआ है। ये अंदर से बोल रहा हूँ कि ऊपर से बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये। गाइस कोई बात नहीं, चलेगा। एंड ये हमारा बेड है जो कि बहुत ही लाजवाब कतई जहर लग रहा है देखने में,
बाकी सोने में देखते हैं कितना मजा आने वाला है। सोने में भी तो मजा ही आएगा क्योंकि इतना अच्छा जो इसका लाइटिंग है ऊपर का, क्या सीलिंग दिया हुआ है इसका, मतलब मस्त लग रहा है। गाइस ये देखिए कितना स्मार्ट बंदा है ये। अच्छा बेचारा थक जाता है काम करते करते, ट्रैवल करते करते, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो बना के देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे। कॉफी वाली मशीन हमारे पास है, इसको बनाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं उतना कि कॉफी ऑर्डर करके मंगाऊं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कॉफी बना लेते हैं खुद से। कितना जल्दी बन गया कॉफी, इसमें स्विच ऑन है, लगाया, ये निकालेंगे ग्लास, कॉफी बना के खुद से पियो, होटल में भी खुद से पियो। मुझे तो कानपुर याद आ गया, मैं कानपुर गया था ऐसे ही, मेरे को बना के पीना पड़ा, लेकिन मैं फिर बाद में मंगाया। कॉफी बन के रेडी हो गया हमारा, अच्छा है। गाइस चेक करो ये वाला, मैचिंग लग रहा है इसका कलर और मेरा कलर। धीरज भाई, हाँ, मुझे एक ही बात अभी आ रही है माइंड में, पता है क्या? क्या? स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ, पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। होगा जय श्री राम, जय श्री राम। काउंटर है हर एक चीज का। की ऑल राइट, हु वांट टू सी द वेरी 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 बिग बबल, ओह माय गॉड, किस आर यू रेडी? खत्म हो गया हमारा। कैसे आप? एकदम बढ़िया। जिन्होंने पार्टी का चार चांद लगा दिया अपने आवाजों की दम पे, थैंक यू सो मच। सो हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? दिस इज माय ब्लॉग। ओह, इट्स योर ब्लॉग? या मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जो भी इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करते रहिए एंड डू वॉच हिज चैनल, एंड जिन्होंने इनको सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब हिज चैनल, एंड वी हैड अ ब्लास्ट टुडे। It was a very fun walking with Prashant. Thank you so much. और हम लोगों ने बहुत मजा किए, बहुत enjoy किए, bubble बना बना के बच्चे लोगों को। हाँ जी, तो अभी खाना पीना खा के आ चुके हैं अपने रूम में, सुकून भरी रूम में। अभी जो है प्लान हमारा थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि बहुत ही थक चुके हैं, बहुत ही क्या बताएं आपको, हम हालत खराब हो चुका है पूरा हमारा। गाइस सो टाइम अभी हो गया 6:30, और अभी बाहर देखोगे तो बाहर देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, और मेरा जो अभी प्लान है सिलीगुड़ी जंक्शन जाने का, एंड वहां से कहीं और जाएंगे, वहां जाके बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे काफी सारे प्लान बने हुए थे जो कि धीरज भाई बनाए थे, ठीक है, बता दे भाई कौन से प्लान। अरे भाई बस करो यार। गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी जंक्शन, और मुझे फाइनली बस भी मिल गया है मेरे घर के लिए, दरभंगा के लिए। तो ये है यहाँ पे बस लगा हुआ, राज बस, जिससे मैं जाने वाला हूँ अभी, एंड मैं थोड़ा बहुत रास्ते में खाने पीने के लिए सामान भी ले लिया हूँ। ये है मेरा सीट ऊपर वाला जिसमें मैं अभी सो के जाने वाला हूँ मस्त। घर तो पहुंच गया आराम से, अब ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड मजा आया आपको ब्लॉग में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को,
और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे हम। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, लग रहा है नशे में हूँ। भाई नशे में नहीं हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं इसलिए। और ये भी जो आवाज़ सुन रहे हो आप, मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आवाज़। तो अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट।